नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। हरियाणा परिवार टाटानगर जमशेदपुर की ओर से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन साक्षी अग्रसेन भवन में किया गया है, जिसमें वृंदावन से आए महाराज जी के द्वारा कथा सुनाया जा रहा है, जिसमें आज 7वें दिन भगवान राम की वनवास और केवट का प्रसंग कथा हुआ। सुनने आए सभी भक्तों का कहना है कि कथा सुनकर सभी का मन शांत व प्रफुल्लित हो रहा है। वहीं बता दें कि कथा सार्वजनिक रूप से करवाया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वहां जाकर कथा सुनकर भगवान राम के भक्ति में लीन हो सकता है। चूरण पीस के सामने कथा के आगे ऐसे बैठ गया महाराज जी मंच पर। कथा शुरू हुई तो महाराज जी ने जैसे ही कीर्तन शुरू किया, उसने नीचे से कुड़िया ली और इतनी सटीक मारी कि वो चूरण जितना भी था वो महाराज जी के मुख में चला। जिले तो आए तो सबको होता है, तो इस आयु बहुत कम हुआ करती है और कुबिचार की आयु बहुत लंबी हुआ करती है। ये जीवन में याद रखना, हम शुभ करने की जब सोचते हैं उसको कल पर डालते जाते हैं और कुछ गलत करने का सोचते हैं उसको तत्काल करते हैं। तो वो सब उसको पता होता है। महाराज जी कह रहे हैं ऊपर से कभी रहने दो, मत चलाओ, छोड़ो छोड़ो। ये हरियाणा परिवार टाटा नगर की ओर से श्री राम कथा का 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन से आए श्रद्धे आचार्य राजन दीक्षित जी महाराज के मुखारविंद से इस कथा को हम 9 दिन सुनेंगे। इसमें आज 7वें दिन भगवान राम के वनवास गमन और केवट का प्रसंग आज हो रहा है और ये बहुत ही मधुर, उनकी मधुर वाणी से इस प्रसंग को सुन के आत्मा एकदम तृप्त हो गई और मंत्रमुग्ध हो गए यहाँ के लोग। और ये व्यवस्था सभी के लिए है, कोई भी आके यहाँ कथा सुन सकता है, कथा का लाभ ले सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।